हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित मोटो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉप 3 क्रूजर सेगमेंट के अपकमिंग बाइक्स के बारे में, जो कि 2023 के अंदर कंफर्म लॉन्च होने वाली है। बाकी दोस्तों, तीनों ही बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लगने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप तीनों में से कौन सी बाइक को प्रेफर करते हैं, साथ ही किस बाइक को आप परचेस करने वाले हैं दोस्तों। बाकी आपकी कौन सी फेवरेट बाइक है आप वो भी बता सकते हैं। अब चैनल पर अगर आप नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी अपकमिंग बाइक हैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। उसी के साथ में शोरूम डिटेल रिव्यू भी इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर बाइक के बारे में। आपकी रॉयल इनफील्ड की SG650 देखने को मिल जाएगी, यानी 650 cc में देखने को मिल जाएगी। SG का मतलब शॉर्ट गन रहता है दोस्तों। बाकी आपको बात करिए इस बाइक के फीचर्स की, तो आपको फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी विद LED DLS के साथ में। बात करें इसके टेल लाइट की, तो टेल लाइट भी आपको राउंड शेप में देखने को मिल जाएगी LED के साथ में। दोस्तों, बात करें इसके इंजन की, तो 648 cc का ट्विन सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस कर देता है। वहीं इसमें ट्विन एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी शानदार लगता है। दोस्तों, बात करें इसके साउंड की, तो काफ़ी ज़्यादा रॉयल फीलिंग आने वाली है। आप तो जानते हैं रॉयल इनफील्ड की जो साउंड रहता है वो आपको रॉयल फीलिंग करवा देता है। बात करें दोस्तों इसके सस्पेंशन की, फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिल जाएगा। बात करें रियर में, तो ट्विन शॉक्स एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा। अब प्राइसिंग के बात कर ले, तो 3,30,000 से 3,50,000 रुपए में इसका जो प्राइस रहने वाला है। और लॉन्च डेट की बात करें, तो ये बाइक अपने को अक्टूबर से नवंबर के बीच में देखने को मिल जाएगी 2023 के अंदर। अब कमेंट करके बताना कि ये बाइक आपको कैसी लगी। दोस्तों, सेकंड नंबर बाइक आती है आपकी बजाज एवेंजर 250। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपकी अपकमिंग बाइक रहने वाली है। ये आपको देखने को मिल जाएगी क्रूजर सेगमेंट में। अब साथ दोस्तों, इसका लॉन्च डेट जो कन्फर्म हो चुका है, वहीं इसमें आपको जो लुक देखने को मिलेगा वो एडवांस रहने वाला है। बात करें इस बाइक के फीचर्स की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा राउंड शेप में LED हेडलाइट विथ DLS के साथ में। बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो राउंड डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में। दोस्तों, आगे बात कर लें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 249 cc का DOSC लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि BS6 इंजन रहने वाला है। पावर प्रोड्यूस कर देगा आपके 27 HP तक की। बात करें गियरबॉक्स की, तो इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, जो कि मैनुअल रहने वाला है। ब्रेकिंग सिस्टम आपका डुअल चैनल ABS के साथ में, डुअल डिस्क देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके सस्पेंशन की बात करें, तो फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक और रियर में आपको डुअल शॉक्स एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें, तो 1,65,000 से 1,70,000 रुपये के बीच में इसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है। लॉन्च डेट की बात करें, तो अगस्त से सितंबर महीने के बीच में ये बाइक अपने को देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। आप कमेंट करके बताना कि इस बाइक को कौन कौन परचेस करने वाला है। तीनों ही बाइक में से मेरे को सबसे बढ़िया यही बाइक लगी है, मैं आपको यही बाइक प्रेफर करने वाला हूँ दोस्तों। बाकी बात कर ले थर्ड नंबर बाइक की, तो आपकी रहने वाली है हार्ले डेविडसन 400 cc एक्स मॉडल। जी हाँ दोस्तों, हीरो के साथ में पार्टनरशिप करके हार्ले डेविडसन ने ये बाइक लॉन्च करने वाला है। आप जानते होंगे कि हीरो ने हार्ले डेविडसन के साथ में पार्टनरशिप करी है, लेकिन ये बाइक आपको हार्ले डेविडसन के जो शोरूम में ही देखने को मिलेगी, हीरो के शोरूम में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पर इसका सेल किया जाएगा दोस्तों। बाकी बात कर ले इस बाइक के फीचर्स की, तो इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें, तो राउंड शेप में LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी विथ DLS के साथ में। दोस्तों, आगे इसके सस्पेंशन की बात कर ले, तो फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फोक देखने को मिलेगा, वहीं रियर में आपको डुअल शॉक्स एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बात कर ले इसके मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको राउंड शेप में सिंगल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जो कि TFT कलरफुल डिस्प्ले रहने वाला है। उसी के साथ में ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी इस बाइक के अंदर। बात करें इसके इंजन की, तो 400 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है 35 से 37 HP तक की। वहीं इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसका एक शोरूम प्राइस अपने को 2,50,000 से 3,00,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाता है। वहीं लॉन्च डेट की बात करें, तो यह बाइक अपने को जुलाई अगस्त महीने के बीच में देखने को मिल जाएगी 2023 के अंदर। आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ये बाइक आपको कैसी लगी। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।